मैं तेजस्विनी बोल रही हूँ। बोलिए तेजस्विनी जी। आपको चक्रधर की तलाश है ना? जी, पुलिस की एक पार्टी उसके घर पर भी गई थी, मगर वो कहीं अंडरग्राउंड हो गया। चक्रधर इस वक्त हमारे घर है, उसे निर्मल बाबू ने अपने घर में पनाह दी है। अरे बेटा, लंकेश जी नहीं है शहर में तो क्या हुआ? मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू अंकल। शशि ने तो बयान वापस ले लिया है। शशि जी। बाबूजी। बच्ची इसकी बीवी तो वो भी बयान वापस ले लेगी। या फिर कोर्ट में पहुंचने ही नहीं देंगे सुसरी को, क्या मित्रा? बिल्कुल। अरे पैरा बिठवा देंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए चक्रधर साहब। थैंक यू मित्रा जी। और वैसे भी तेजस्विनी जी किस मुंह से आपके खिलाफ बयान देंगी? हाँ, उन्होंने तो खुद जुर्म किया है। अरे जुर्म जुर्म भी ऐसा जिससे पूरी शिक्षा जाति कलंकित हो गई। मैं कल ही निकाल दूंगा इसे कॉलेज से। निकालना पड़ेगा वरना लोगों को चार बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। निर्मल शास्त्री की बहू थी इसलिए बच गई। मैं शशरी को निकाल कर एक मिसाल कायम करूंगा, मिसाल। बाबूजी मैं ऊपर जा रहा हूं। हां ठीक है। और पूछ अपनी बीवी से क्या जरूरत थी ऐसा नीच काम करने की। आप लोग यहीं रुकिए। हेलो मिस्टर शशि। आप कौन है शशि जी? वो एसीपी शक्ति सिंह। मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इस आदमी का अरेस्ट वारंट है मेरे पास। मिस्टर शशि, आपने अपने पिता के कहने पर अपना बयान तो वापस ले लिया, लेकिन आपकी पत्नी अभी तक अपने बयान पर कायम है। वो भी अपना बयान बदल देगी। नहीं बाबूजी, मैं अपना बयान कभी नहीं बदलूंगी। अंकल ये क्या कह रही है तेजस्विनी जी? यही कि मैं तुम्हें हर हाल में सजा दिलवा कर रहूं। मैंने अपना बयान नहीं बदला इसलिए तुमने मेरे साथ इतनी घिनौनी साजिश की। किस साजिश की बात कर रही हैं आप तेजस्विनी जी? इसने और कुछ लोगों ने मिलकर मुझे कॉलेज से निकलवाने के लिए साजिश की और अब मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठने जा रही है। मैंने कोई साजिश नहीं की मैम। वो सब मैं तुमसे हवालात में कबूल करवाऊंगा। इंस्पेक्टर, तुम मेरे डैड को नहीं जानते। शट अप। एमएलए के बेटे होने का बहुत गुरूर है ना तुम्हें? आज मैं तुम्हारा सारा गुरूर तोड़ डालूंगा। चलो अंकल प्लीज रुकिए इसे, वरना ये मुझे बहुत मारेगा। मारेगा? अबे मैं तुझे रगड़ दूंगा मार मार के। चल। तेजस्विनी जी, इंफॉर्मेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मल बाबू, आपकी बहू ने खबर दी है पुलिस वाले को। मैं देख लूंगा तुम सबको। मैं सबको देख लूंगा। चल। मेरे डैड किसी को छोड़ेंगे नहीं। चल। देख रहा है शशि, देख रहा है कैसे ये औरत मेरा राजनीतिक भविष्य चौपट करने पर तुली है। मेरा जनाजा निकालने की तैयारी कर रही है ये। कान खोल कर सुन ले शशि, अगर लंकेश जी और मेरे बीच दरार पड़ गई तो कसम मां काली की मैं तेरी बीवी को जान से मार डालूंगा। और मैं खड़ी देखती रहूंगी। मेरे जीते जी इस घर में कोई भी तेजस्विनी का बाल बांका नहीं कर सकता। ये आज आप भी सुन लीजिए। ओ जी, ये आप क्या कह रही हैं? खुलेआम निर्मल बाबू से बगावत पर उतर आई आप? ए नागिन की संगत में जहर ही तो उगलेगी है। अभी तो मैं पुलिस कमिश्नर से मिलकर आता हूं, फिर लूंगा सबकी खबर में। शशि, अगर तू अपने बाप की असल औलाद है तो अपनी बीवी को मर्दाना तरीके से समझा। चल बेटा गाड़ी निकाल, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। अरे सूरज बाबू, मैं जरा एक खबर तो पढ़ो। क्या है बाबूजी? मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। है ना चौंका देने वाली खबर? क्या हुआ, इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? अब तुम्हें क्या बताएं प्रभा देवी, ये तो बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है।
मगर मगर तेजस्विनी ऐसा कर ही नहीं सकती है। बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे क्या क्या है तेजस्विनी ने? अम्मा अखबार में खबर छपी है कि कॉलेज में एक लेक्चरर को पेपर आउट करने के जुर्म में रंगे हाथों पकड़ा गया। तेजस्विनी और उसके कॉलेज का नाम छपा है। हाय राम, अरे किसी ने जानबूझकर फंसाया है तेजस्विनी को। तुम फोन लगाओ उसे। लगाओ। फोन करता हूँ। तेजस्विनी। बेटी, अखबार में ये सब कुछ क्या छपा है तेरे बारे में? अम्मा मुझे फंसाया गया है। फंसाया है? मगर किसने? तुम मुझे बताओ, मैं अभी उन लोगों के खिलाफ केस करता हूँ। किसने की ऐसी हरकत? भैया इसमें चक्रधर का हाथ तो जरूर होगा, लेकिन वो ये काम बिना एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से नहीं कर सकता। बेटी मैं तुम्हारे साथ कॉलेज चलता हूँ, मैं बात करूंगा प्रिंसिपल से। अरे इस किस्म के आरोप लगाना किसी बेदाग चरित्र पर कीचड़ उछालने जैसा है। पर अब होगा क्या? अम्मा मेरे खिलाफ इंक्वायरी बिठाई गई है, उसके बाद कॉलेज के चेयरमैन जो ठीक समझेंगे वो करेंगे। और कॉलेज के चेयरमैन है निर्मल शास्त्री। कहीं उन्होंने तो ये सब कुछ नहीं करवाया? बिल्कुल करवाया होगा अम्मा, वो आदमी इतना मक्कार है कि कुछ भी कर सकता है। मैं निर्मल शास्त्री से बात करता हूँ। आखिर तेजस्विनी उनके घर की बहू है, इस पर अगर झूठा इल्जाम लगा है तो उन्हें इसकी मदद करनी चाहिए। वो आदमी मेरी कभी मदद नहीं करेगा बाबूजी, बल्कि अब तो वो हर तरीके से मुझे इतनी तकलीफें देगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। बेटी तू अब वो घर छोड़ दे। बस अभी मैंने फैसला कर लिया है, आज के बाद तू उस घर में नहीं जाएगी। सूरज तू फोन लगा वकील को और बात कर उससे, हमें तलाक चाहिए। कर ना फोन उसे। अम्मा इतनी उतावली मत हो, वो घर छोड़ना ही होता तो मैं कब का छोड़ चुकी होती। लेकिन मैंने भी प्रण लिया है, मैं उसी घर में रहूंगी और उस आदमी के सभी अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मैं आज यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि अखबार में मेरे बारे में पढ़कर आप लोग परेशान ना हो। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको नीचा देखना पड़े। नहीं नहीं बेटी, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और हमेशा रहेगा। नमस्कार निर्मल बाबू, बाकी की ट्रस्टीज आ गए? जी। और सुनिए, आप अपना मुंह बंद रखिएगा। जी हाँ। तेजस्विनी को शो कॉज नोटिस भिजवा दिया? जी, वो तो आ भी गई है, आप अंदर चलिए मैं उसे बुलवा देता हूँ। नहीं नहीं, पहले जरा हम बैठकर आराम से कुछ तय कर लें, फिर बुलवा लीजिएगा उसे। जी। हेलो एवरीबॉडी, मैं माफी चाहूंगा, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। और बरुचा सर, सब कुशल मंगल? वैसे तो आपकी दुआ है निर्मल बाबू, लेकिन आपका इंतजार करते करते हम लोग दो बार कॉफी पी चुके हैं। तो एक हमारे साथ भी पी लीजिए। क्यों साइकिल साहब? पीते हैं निर्मल बाबू भाई, चाय और कॉफी पीकर ही मीटिंग खत्म कर देते हैं। क्या मतलब? आपने बेकार ही मीटिंग बुलवा ली। अरे करवा देते किसी से भी इंक्वायरी और हम लिख देते। और तेजस्विनी आपके घर की बहू है। देखिए, एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, रिश्ते नाते घर में होते हैं, बाहर होता है सिर्फ काम का नाता। और अगर कोई अपने काम के प्रति लापरवाही करे तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वाह निर्मल बाबू वाह, मजा आ गया। आपके मुंह से यह सब सुनकर मुझे बेहद तसल्ली मिली। इसीलिए तो हम सिस्टम से भ्रष्टाचार नहीं निकाल पाते, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई भाई भतीजावाद सामने आ ही जाता है। आप बेफिक्र रहें, इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इंक्वायरी शुरू करें। तेजस्वी मैडम को भेज दीजिए। जी सर। इस वाकये से हम सभी को बड़ा दुख पहुंचा है। हम सबको ये तय करना है कि तेजस्विनी ने अगर ये जुर्म किया है तो उसे इसकी क्या सजा दी जाए। एक बार सोच लीजिए निर्मल बाबू, तेजस्विनी ने किया है या नहीं, मगर वो आपके घर की बहू है। मैं लाचार हूं सहगल साहब, अगर वो मेरे घर की बहू है तो क्या मैं अपने आदर्शों की बलि चढ़ा दूं? मैं अपने चरित्र को नहीं बदल सकता, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मैं कमिंग सर। आओ तेजस्विनी आओ।
तेजस्विनी, हम सभी को तुम्हारी इस हरकत से बहुत दुख पहुंचा है। मन मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन हकीकत से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। फिर भी हम ये चाहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कह सकती हो। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे आप लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। मेरे खिलाफ साजिश की गई है और ये मामला पुलिस को सौंप देना चाहिए। मगर तेजस्वी, रस्तोगी जी भी विजिलेंस डिपार्टमेंट से ही हैं और उन्होंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। मगर तेजस्वी, तुम्हारे साथ साजिश कौन करेगा और क्यों करेगा? तेजस्वी, क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है इस कॉलेज में? यस मिस्टर भरूचा, जनक जी को तेजस्विनी जी से शुरू से शिकायत रही है और चक्रधर से भी सीधी लड़ाई है इनकी, और हम सभी लेक्चरर्स चाहते हैं कि उसे कॉलेज से निकाल दिया जाए। सभी लेक्चरर का मतलब होता है सभी लोग। क्या आप सभी लोगों के साइन ला सकते हैं कि चक्रधर एक गुंडा है? वही तो मुश्किल है सर। चक्रधर एमएलए लंकेश का बेटा है और कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जो मिस्टर लंकेश को खुश करने के लिए चक्रधर जैसे गुंडे को पना दे रहे हैं। शैलेश, तुम विषय से भटक रहे हो। हम यहाँ चक्रधर के मामले के लिए नहीं बैठे। I know sir, लेकिन तेजस्विनी का मामला चक्रधर के मामले से जुड़ा हुआ है। कोई ताज्जुब नहीं कि तेजस्विनी को फंसाने के लिए चक्रधर ने या उसके किसी साथी ने वो रुपए तेजस्विनी के लॉकर में रखे। मिस्टर शैलेश, आप सरासर तोहमत लगा रहे हैं किसी बेगुनाह पर। एक शरीफ आदमी पर बिना सबूत इल्जाम लगाना आपको महंगा पड़ सकता है। मिस्टर रस्तोगी, उस शरीफ आदमी को कल पुलिस ने हमारे घर आकर गिरफ्तार किया क्योंकि उसने हमारे कॉलेज के एक्स लेक्चरर रश्मि पारे के पति का खून किया है। और मुझे ये कहने में भी बिल्कुल संकोच नहीं है कि हमारे कॉलेज के चेयरमैन निर्मल शास्त्री जी ने ही ये जानते हुए भी कि वो एक मुजरिम है अपने घर पना दी थी। वो अभी साबित नहीं हुआ है, मगर ये साबित हो गया है कि तुमने रुपयों के लालच में आकर छात्रों को इम्तिहान के पेपर्स आउट किए। शिक्षा के मंदिर में रहकर तुमने एक शिक्षक की मर्यादा को भंग किया है। और इसके लिए तुम्हें कॉलेज से बाहर भी निकाला जा सकता है। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मुझे यहां बुलाकर सफाई देने का ढोंग क्यों कर रहे हैं आप लोग? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मुझे निकाल भी दें, मगर मैं सच्चाई का पता लगा कर रखूं। लेक्चरर्स का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा। इस मामले में आप जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। रस्तोगी जी। जी निर्मल बाबू। मैं इन सब के सामने आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जरूर पूछिए। क्या अभी भी कोई गुंजाइश है जिससे तेजस्विनी को बेकसूर साबित किया जा सके? नहीं, मैं अपनी रिपोर्ट आपको सबमिट कर चुका हूँ। फैसला अब आपको करना है। तो फैसला हो चुका है, मैं तेजस्विनी को कॉलेज से बर्खास्त करता हूँ। देवेंद्र जी। जी। तेजस्विनी को उसका टर्मिनेशन लेटर दे दीजिए और ये जानकारी प्रेस को भी दे दीजिए ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि निर्मल शास्त्री ने फैसला लेने में देर कर दी क्योंकि तेजस्विनी उनकी बहू। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि भैया तुम्हारी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोले। हाँ शैलेश, देवेंद्र जी के इस व्यवहार पर मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। शैलेश, पिछले कई दिनों से मैंने एक बात नोट की है। क्या? चक्रधर कई बार देवेंद्र जी के आसपास मंडराता हुआ नजर आया। एक दो बार वो देवेंद्र जी के कमरे से बाहर निकला। एक बार तो वो स्टाफ रूम में आया था और देवेंद्र जी ने उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाया था। हाँ, अब तो दाल में काला मुझे भी नजर आने लगा है। कल चक्रधर स्टाफ रूम में आया था और मुझसे कहने लगा कि भैया ने बुलाया है। भैया चाहते तो चपरासी को भेज सकते थे, और जब मैं वहां गया तो स्टाफ रूम खाली था।
हो सकता है उसके बाद चक्रधर ने ही रुपए मेरे लॉकर में रख दिए हो। मुझे तो ये सब एक मिली भगत लग रही है और कोई ताजुब नहीं कि इस प्लान में निर्मल बाबू भी शामिल हों। अगर निर्मल बाबू भी इसमें शामिल हैं तेजस्विनी, तो तुम्हारा मतलब है शायद भैया भी? हाँ शैलेश, हो सकता है देवेंद्र जी भी इस चाल का एक हिस्सा हो। माय गॉड, फिर तो हमें इन सभी को बेनकाब करना चाहिए। हाँ, मगर कोई सबूत भी तो हो। बोल तेजस्विनी को तले झूठे जब मैं फंसाया है नहीं, बोल। डोंट हिट मी, मैं तुम्हारा तबादला करवा सकता हूँ। उससे पहले मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। बोलती जो उसने पेपर्स किसने उड़ किए? इंस्पेक्टर, तुम मुझे जिस जुर्म में पकड़ के लाए हो सिर्फ उसके बारे में पूछो। डोंट टच मी। जिस जुर्म में मैं तुझे पकड़ के लाया हूँ उसकी सजा तो तुझे मिलेगी, मगर तेजस्विनी को तूने झूठे इल्जाम में फंसाया उसका क्या? मैंने किसी को झूठे इल्जाम में नहीं फंसाया। बता, वरना मार मार के मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरा बाप भी तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगा। बोल। इंस्पेक्टर, मुझे कुछ नहीं मालूम। तू ऐसे नहीं बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा तू। हवलदार जी साहब, इसे उल्टा भाग कर लटका दो और सारा दिन सारी रात वैसे ही लटके रहने, समझे? ओके सर। इंस्पेक्टर प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। ओके, बता तेजस्विनी पर तूने झूठा इल्जाम लगाया है या नहीं? बोल। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, तेजस्विनी को फंसाने में अकेला मैं शामिल नहीं हूँ, और लोग भी हैं।